शिवरात्रि एक ऐसा त्योहार जो सारे हिंदू समाज में बहुत विशेष महत्व रखता है। वे बहुत पुराने समय से इसे हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें शिव मंदिरों में देखी जा सकती है। वह हर कोई अपने हाथ में गंगा जल, दूध या फल आदि लिए भक्तिभाव से सरोवर दिखाई देते हैं। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को पड़ने वाले इस त्योहार पर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर सुदूर दक्षिण तक भक्त लोग उपवास करते हैं, सारी रात शिव भगवान की आराधना करते हैं। घंटों की आवाज और शिव जी के जयकारों से पूरा मंदिर ही नहीं, आसपास का वातावरण भी गुंजायमान हो उठता है। इस अवसर पर शिवलिंग के ऊपर गंगा जल व दूध का अभिषेक विशेष रूप से किया जाता है। कुछ श्रद्धालु हरिद्वार से कावड़ लाकर अपने आसपास शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंगों पर उसे चढ़ाते हैं। अन्य दिनों में देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग इस दिन शिव की पूजा विशेष रूप से करते हैं। इस त्योहार के पीछे बहुत सी कथाएं बतलाई जाती हैं। शिवरात्रि का यह त्योहार हिंदू परंपरा में कुछ इस तरह स्थापित हो चुका है कि इसकी सार्थकता जानने की जरूरत ही महसूस नहीं की जाती, और परंपरागत रूप से हर साल श्रद्धालु इसे मनाकर अपने भक्ति भाव को और भक्ति कर्म को पूर्ण मान लेते हैं। आज इस अवसर पर हम अपने सदग्रंथों के प्रकाश में इस त्योहार के महत्व को जानेंगे। हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ पवित्र वेद व गीता जी है। ये ऐसे सदग्रंथ हैं जो प्रभु दत्त हैं और इनकी सत्यता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। हालांकि वेद और गीता जी मानव मात्र के लिए हैं, ये किसी धर्म की सीमाओं के अंदर इन सदग्रंथों की महानता को नहीं बांधा जा सकता, फिर भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए ये ग्रंथ विशेष आदरणीय है। आम साथ के साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि पुराण ऋषियों का अपना अनुभव है, इस कारण पुराणों से ज्यादा महत्व प्रभु का आदेश है। मतलब साफ है कि यदि वेद और गीता शिवरात्रि का या किसी अन्य धार्मिक क्रिया का समर्थन नहीं करते हैं तो वो स्वीकार्य नहीं है। आज शिवरात्रि के संदर्भ में, शिव भक्ति के संदर्भ में अपने पवित्र वेद और गीता जी क्या निर्देश देते हैं, इस संदर्भ में हम आपके सामने एक छोटी सी वीडियो क्लिप लेकर आए हैं जो आपको इस संदर्भ में अपने सदग्रंथों से रूबरू कराएगी। आप निष्पक्ष होकर इस छोटी सी क्लिप को देखें और अपने जीवन को एक सार्थक और तार्किक दिशा दें। माता पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे, वो मर रही थी, फिर कहीं जन्म लेती थी और भगवान शिव से ही उसका विवाह होता रहा था। 108वां जन्म था पार्वती जी का, उधर से भगवान शिव जी क्या करते थे, वो पार्वती जी से इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, उनकी मृत्यु के उपरांत वो उनके कंकाल को, उनके सिर को निकाल लेते थे और उनके प्रेम में उसकी याद को ताजा रखने के लिए एक माला बना ली थी, गले में डाल लेते थे और या अपने कहीं मकान, अपने महल की खुट्टी पर टांग देते थे, उनकी याद में रोते रहते थे। एक दिन नारद जी आए, पार्वती जी से कहा कि हे माता, आप जन्म और मृत्यु के कष्ट से कितने दुखी होते हो, भगवान शंकर जी के पास, शिव जी के पास एक अमर मंत्र है, यदि वो आपको वो मंत्र दे दे, जाप करने का एक नाम है, आपका जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकता है। पार्वती जी ने कहा कि भक्त, हे ऋषि जी, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा,
क्योंकि भगवान शिव जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पति हैं, और इनके स्वभाव और इनके उदार स्वभाव से मैं खूब परिचित हूं। ये मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और वस्तु का तो कहना ही क्या। फिर आप ये कहो कि इनके पास कोई ऐसी वस्तु है और वो मुझे नहीं देते, नहीं दी आज तक, मेरे से छुपा ली, मेरा बात जची नहीं और मेरी जन्म मृत्यु का भी मुझे ज्ञान नहीं। तब भगवान नारद जी ने कहा कि माता, ये जितने भी गले में भगवान ने ये शीस ये रूंड टांग रखे हैं तेरे खोपड़े, ये तेरे ही हैं। 107 तो ये टंगरे खुट्टी पे है और 108 माप वर्तमान में है। और भगवान शिव जी के पास एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, वो आपको देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। पार्वती जी ने फिर वही शब्द दोहराए कि नारद जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे ये नाम क्यों नहीं दिया जिससे मेरा मोक्ष हो सकता है। ऐसा भगवान नहीं कर सकते, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। तब नारद जी ने कहा कि अभी तक आप उनको केवल पति मान रहे हो, आपने उनको भगवान नहीं माना, आपने उनको गुरु नहीं माना। जब तक आप अधीन नहीं होगे तब तक वो आपको ये वस्तु नहीं देंगे। अभी तक तो आप उनको एक पति मानते हो और कभी कभी डांट भी लगा देते हो, और इस अनमोल वस्तु को लेने के लिए आपने बहुत विनम्र स्वभाव अपनाना होगा। अति अधीन दीन हो प्राणी, ताको कहना वो अकथ कहानी, ये नियम है भक्ति का। अब नारद जी के उस प्रेरणा से उसको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली, बहुत प्रेरित होगी और सोचने लगी कि ऐसा अनमोल मंत्र उनके पास है, नारद जी झूठ नहीं बोलते, इनका कोई स्वार्थ नहीं झूठ बोलने का, परमार्थी व्यक्ति हैं, ये झूठ नहीं बोलते। पार्वती जी ने सोचा कि अवश्य मेरे अंदर ही कोई त्रुटि रही है जिस कारण से प्रभु ने अभी तक मुझसे ये अनमोल मंत्र छुपा रखा है। अब शाम के समय जब भगवान शिव जी अपने घर लौटे, उस दिन एक विशेष परिवर्तन देखा शिव जी ने कि पार्वती जी उनके चरणों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, तेरे को किसने क्या कह दिया, मुझे बता, उसका अभी ठीक करता हूं उसको। पार्वती जी ने कहा कि आपके रहते मुझे कौन कह सकता है प्रभु, लेकिन मुझ अबला से कोई भूल बनी है। हे परमात्मा, आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्या मैं जब मरती थी आप दुखी नहीं हुए होंगे। अब नारद जी उसने शिव शंकर भगवान ने सोचा, आज यह कौन सा स्टेशन पकड़ ली है, ये तो कदे ढंग से बात नहीं कराया करती, आज ये बोल क्या रही है। तब कहा पार्वती जी ने संक्षिप्त में सारी कथा सुना दी है, भगवान आपके पास अनमोल मंत्र है, मैं 107 बार मर चुकी हूं, ये शीस मेरे ही हैं, आपने कभी नहीं बताया, मेरे में कोई त्रुटि रही होगी, मुझे बालक समझकर माफ कर दो, मुझे वो मंत्र दे दो। हाँ, भगवान शंकर बोले, पार्वती, ये तेरे सतर की बात नहीं, नो बता तेरे को कौन मिला, ऐसा भगवान आत्मा तेरी बुद्धि बदल दी उसने, ऐसा कौन भी दाता मिल गया तो तेरी बुद्धि बदल दी, किसने बताया तेरे तो ये बात। तो पार्वती कहने लगी, नारद जी आए थे,
और उन्होंने मुझे ये सारी कहानी बताई। अब शिव जी कहने लगे, पार्वती अब बैठ जा, तेरे को सारी मेरी मजबूरियां बताता हूं। अब पार्वती से शंकर भगवान ने कहा कि ये ना सोच के मैं तुझे प्यार नहीं करता था, तू मर जाती थी, तेरी मृत्यु होती थी, मैं बहुत रोता था, टक्कर मारता रहता था तेरे वियोग में। तो पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, और साथ में ये भी शंकर भगवान ने कहा कि ये सभी सिर तेरे, ये जो टांग रखे हमने, तेरे सिरों की माला बना रखी है, जब तक तू दोबारा मुझे प्राप्त नहीं होती थी तब तक मैं इनको देख देख कर रोता रहता था। तो पार्वती जी ने कहा कि भगवान, आपके पास ऐसा मंत्र जिससे मैं अमर हो सकती हूं, और वो क्यों ना दिया आपने भगवान, मैं मरती ही नहीं, आप इतने कष्ट उठाया आपने, पुणात्मा जो व्यक्ति अपने प्रोसेस से परिचित होता है, अपने प्रोफेशन से परिचित होता है, वो समझता उसके कदर और वैल्यू को, ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, अभी तक तेरी आत्मा में इस मंत्र की चाह नहीं बनी थी, इच्छा नहीं बनी थी, प्रबल इच्छा, और जब तक इच्छा ना बने तो मैं तुझे बहुत कोशिश करता था, आपका याद भी होगी, मैं बहुत बार चर्चा चलाता था कि पार्वती भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति से जीव का कल्याण होता है, लेकिन आप तो मेरी एक नहीं सुनती थी और क्या कह देती थी कि मुझे भक्ति की क्या आवश्यकता है, मुझे तो भगवान मिल गया। मैं भी चुप हो जाता था कि अब या आगे बात सुने नहीं। तो पुणात्माओं, जैसे समुद्र के अंदर, समंदर में सीप होती है एक, जिसमें ये मोती बनते हैं, आपने देखे होंगे शंख ले से व्या करें शंख इन ये, तो ऐसा ही एक चपटा सा होता है, एक जीव होता है, उसका ऊपर का शरीर बहुत सख्त होता है, और उसमें मोती कैसे बनता है, वो सीप जिस समय उसको चाह होती है, समुद्र में एक विशेष गर्मी पैदा होती है, और उसके बाद फिर कुछ वर्षा के आसार बनते हैं, तो सीप जो है समुद्र में रहती है और ऊपर सतह पर आ जाती है, जब उसने मोती बनाना, जब उसमें मोती बनने की प्रक्रिया, उसके अंदर एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न होती है, चाह होते है, अपने आप उसका मुंह खुल जाता है, और ऊपर खुले हुए मुंह खुला हो, ऊपर से वर्षा हो जाती है समाती, यानी आसमान की, बादलों की, तो उससे वो थोड़ा सा नीर ग्रहण करके और मुंह बंद कर लेती है, उससे मोती बनता है, और उस सीप का मुंह खुलाना हो चाहे सारा सामन बरस जा, मोती नहीं बन सकता। तो यहां परमात्मा बताते हैं कि पार्वती के अंतःकरण रूपी सीप का मुंह बंद था, नारद जी की प्रेरणा से वो मुंह खुल गया, और भगवान शिव जी ने फिर उसमें वो मंत्र डाल दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि पहले तेरी इच्छा नहीं थी, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, मैं तुझे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता, और मैं तुझे देवी देता बता भी देता तो तेरे जिज्ञासा थी नहीं, यू काम नहीं करता, ये व्यर्थ जाता। तो तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती आज तेरे सीप का मुंह खुल गया, खुला है ये, और अब ये मंत्र दूंगा तुझे, पर ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ऐसे स्थान पर दूंगा जहां कोई दूसरा जीव भी ना सुन ले, जहां पर अमरनाथ बना हुआ है, वहां एक सूखा वृक्ष था,
कोई पत्ता नहीं था, टहनी शेष थी, और वहां जाकर उसके नीचे बैठ गए भगवान शंकर और पार्वती। भगवान शिव जी ने हाथ से तीन ऐसी जोर जोर से ताली बजाई, इतनी आवाज हुई कि आसपास, इतना भयंकर नाद हुआ कि आसपास के कोई पक्षी वहां पर था वो उड़कर भाग गया, और कहीं अंडे भी थे आसपास के वृक्षों में, वो भी पक्षी बनकर उड़ गए। उसी वृक्ष की खोगर में एक थोथे स्थान पर में, जो वृक्षों में हो जाता है, उसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। जो स्वस्थ अंडे थे वो तो पक्षी बनकर उड़ गए, एक गंदा अंडा था वो शेष रह गया। भगवान शिव पार्वती जी को वो मंत्र सुनाने लगा। पुणात्माओं, आपको पता चलेगा आप कितने पुण्यवान हो। वो जो मंत्र पार्वती जी को मिला वो मंत्र आप जी को मिल रहा है। इसके बीच में ये किसी को ना मिला, केवल कबीर परमेश्वर जी ने कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया था, उनसे भी कह दिया था कि इसको अभी गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूत इन मंत्रों को ग्रहण करके मेरी प्यारी आत्माओं को भ्रमित कर देंगे। अब यहां एक प्रश्न और है कि ऐसे स्थान पर मंत्र क्यों दिया भगवान शिव ने, और इसको गुप्त क्यों देते हैं। ये ऐसा मंत्र है यदि ऐसे वैसे व्यक्ति को मिल जावे वो इसका जाप साधना करके सिद्धि युक्त हो जाता है, और फिर वो ना जाने कितने जीवों को दुखदाई हो जाता है। पहले ये राक्षस क्यों बने, ये सभी भक्त थे, साधनाएं करते थे, गुरु होते थे, ये साधनाएं करते रहे लेकिन साथ में त्रुटियां भी करते रहे, नाम से खंडित हो गए, गुरुजनों ने उनको अपने वहां से निष्कासित कर दिया, उनके अंदर उस नाम के जाप करते रहे सिद्धियां आ गई, उन्हीं भक्तों को के शत्रु बन गए, उनके पास भी सिद्धियां उनके पास भी सिद्धियां, सारी उम्र लड़ते रहे, ना उनको भक्ति आपकी ना करने देते थे। आपने सुर असुरों का युद्ध खूब सुना पुराणों में, और अधिकारी जो होता उसके मुख से सुना हुआ ज्यादा असर करता है। तो वहां पार्वती जी को भगवान शिव ने वो मंत्र दिया। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाएं, अपना नाम पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।